नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मोहम्मद अनवर अपने परिवार के साथ कुछ लोगों की मदद से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मोहम्मद अनवर ने हिंदू परिवार के लोगों से मदद मिलने से प्रभावित होकर गुरुवार को अपना धर्म त्याग दिया। बाकायदा गोकना घाट पहुंचकर सिर मुंडवाने के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी पूरे किए। मूल रूप से सलोन कोतवाली क्षेत्र गांव रसातो निवासी मोहम्मद अनवर मुस्लिम धर्म में फकीर बिरादरी से ताल्लुक रखता था। गरीबी और मुफलिसी झेल रहे एक व्यक्ति को हिंदू परिवारों ने सहारा दिया, जिससे वह सनातन धर्म से प्रेरित हुए और सनातन धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया। मोहम्मद अनवर भादो मास की पूर्णिमा पर पूरे कुटुंब के साथ गंगा घाट पर पहुंचा और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। कई वर्ष पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा रेहान, दूसरा बेटा अली और बेटी खुशी थी। अनवर के लिए बच्चों की परवरिश में काफी कठिनाइयां थी। आसपास के हिंदू परिवारों ने उनकी काफी मदद की। बिना किसी भेदभाव के साथ हिंदू परिवार उनके जीवन यापन करने उनकी मदद कर रहे थे, जिससे वह हिंदुओं के करीब आए और उनको हिंदू सनातन धर्म को करीब जानने का अवसर मिला। जब उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जाना तो उनके मन मस्तिष्क पर बड़ा असर पड़ा। अंततः उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय ले लिया। इसके बाद वह आरएसएस के नेताओं के संपर्क में आए। धर्म परिवर्तन की तिथि तय हुई और भादो मास की पूर्णिमा के मौके पर वह बच्चों के साथ ऊंचा हार की गोकना गंगा घाट पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कई लोगों की मौजूदगी में पहले अपना शुद्धिकरण करवाया। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत सनातन धर्म में अपनी वापसी करते हैं। इसके बाद उनका नाम मोहम्मद अनवर से बदलकर देवनाथ, उनके बच्चों का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। उनके बच्चों के नाम हिंदू रीति रिवाजों से उनका भी नामकरण किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।